तो जी हम पैथोलॉजी के थोड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, गैंगलियन टिश्यू है या फिब्रोएडेनोमा है या फिर ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा है। ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में भी आते हैं और लाइवोस्पी में भी आते हैं, और आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अभी हम 2 से 3 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको इसका जो आउटलाइन है कि आपको पता हो कि ये होता क्या है वो हम दे दें। तो अभी ये पिक्चर देखें, पिक्चर अगर आप वाइवोस्पी करेंगे तो आपको ये पिक्चर लाजमी मिलेगी, इसको देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये री एपिथेलियलाइजेशन टिश्यूज़ हैं, इस तरफ मिनरलाइजेशन हो रही है, इस तरफ फिब्रोसिस हो रहा है, और यहाँ पर आपके पास बाउंड सरफेस है। बाउंड सरफेस पढ़ के आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि ये आपके पास ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ हैं। ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ क्या करते हैं कि जब भी आपको कोई चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद जो आपका बाउंड और हीलिंग प्रोसेस होता है, जो हम कहते हैं ना खुरन जम जाता है डार्क ब्राउन कलर का आपकी चोट के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है, स्वेलिंग कम हो जाती है और आपका ज़ख्म भरना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रैनुलेशन। और ये है आपके ग्रैनुलेशन टिश्यू की हिस्टो पिक्चर, ठीक है। तो अभी क्या होता है, इसका क्या सीन है, इसकी क्लिनिकल इसकी क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, उन सबको हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेगा। ग्रैनुलेशन टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक टाइप है जो कि आपके वाउंड हीलिंग और इंजरी के प्रोसेस में जो है वो बनती है और आपको आपके जो ब्लीडिंग है ना उसको रोकने में आपकी हेल्प करती है। उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रैनुलेटेड टिश्यूज, उसमें ये है कि भाई ये हाईली सेलुलर और इसमें बहुत सारे फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं और न्यू ब्लड वेसल्स बनते हैं। यानी किसी भी जगह पर बहुत बड़ी, फॉर एग्जांपल छोटी सी इंजरी है या बड़ी से बड़ी इंजरी है, वहाँ पर जब ये ग्रैनुलर टिश्यूज़ बनते हैं, ग्रैनुलेटेड टिश्यूज़ बनते हैं, तो वहाँ पर उस एरियाज़ के लिए न्यू ब्लड वेसल्स भी बन जाते हैं, उसके साथ साथ इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हैं वो भी रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे फिब्रोब्लास्ट भी बनते हैं। तो इट्स अ हाईली सेलुलर टिश्यू। ओके, इसका कलर जो है वो पिंक और रेड कलर का होता है। आपको चोट लगी होगी तो आपने ज़रूर देखा होगा, फिब्रोब्लास्ट एक्टिवली प्रोड्यूस कोलेजन, ये वो कोलेजन को बहुत एक्टिवली प्रोड्यूस करते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें जब हम फेशियल PRP कराते हैं अपने या फिर हम डर्मा नीडलिंग करा रहे होते हैं, तब ये सब फीचर्स को ध्यान में रख के वो ये सब कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही चोट लगी स्किन की तो स्किन अपने आप को रिपेयर करने के लिए कोलेजन प्रोड्यूस करेगी, न्यू ब्लड वेसल्स भी बनाएगी, फाइबर्स भी प्रोड्यूस करेगी और ख़ुद को रिपेयर करने के लिए, शेप में लाने के लिए एफर्ट्स करेगी। तो हम क्या करते हैं कि खुद से स्किन को चोट देते हैं ताकि स्किन अच्छे से डैमेज सॉरी रिपेयर हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स सुने, ये सारे फेशियल PRP और आपके पास वो जो डर्मा इमर्जन हो रही होती है उसमें काम आ रहे होते हैं। ओके, फिब्रोब्लास्ट एक्टिवली प्रोड्यूस कोलेजन, द न्यू ब्लड वेसल्स आर इरेगुलर इन शेप साइज विद नो स्मूथ मस्कुलर लेयर। चोट का जो एरिया होता है थोड़ा सा खरदरा होता है, बराबर नहीं होता जब तक कि प्रॉपर पूरी चोट भर नहीं जाती। तो जो ग्रैनुलेशन टिश्यूज होते हैं वो थोड़े से इरेगुलर होते हैं शेप में और साइज में, और इनकी जो लेयर है वो थोड़ी स्मूथ नहीं लगती। ओके, द एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस दैट अपीयर एज डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू और सेल डेब्रिस। अब जो एरिया है जहाँ पर हमें चोट लगी है, जहाँ पर अभी भी खून जमकर जो वो ग्रैनुलेशन होना शुरू हुई है, वो स्वेल हुआ हुआ होता है इन्फ्लामेशन की वजह से और वो थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज लगता है, जिसको हम सेल डेब्रिस कहते हैं। अच्छा, ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ की 2 टाइप होती है, एक होती है हेल्दी ग्रैनुलेशन, एक होती है अनहेल्दी ग्रैनुलेशन। हर हेल्दी जो हेल्दी ग्रैनुलेशन होती है ये नॉर्मल वाउंड हीलिंग का एक टाइप है कि भाई चोट लगी वाउंड हीलिंग हो रहा है, इट्स अ नॉर्मल ग्रैनुलेशन। इसमें जो है वो कलर रेड और पिंक होता है और जो इसका टेक्सचर होता है वो शाइनी होता है, ठीक है। जो अनहेल्दी ग्रैनुलेशन होती है ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में होती है, जो वाउंड हीलिंग प्रोसेस को इम्पेयर कर देती है, जो वाउंड हीलिंग प्रोसेस पूरा नहीं होने देती। ये जो ग्रैनुलेशन टाइप है इसमें क्या होता है कि जो कलर होता है उसमें तो हमने क्या पढ़ा था कि पिंक और रेड होता है, यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा डल होता है, डार्क होता है या प्रॉपर एकदम तेज़ लाल रंग का होता है, और ये इसका जो सरफेस होता है वो इरेगुलर और अनइवन होता है, ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, देखिए हमने पहली चीज़ क्या पढ़ी, करेक्टरिस्टिक्स, फिर हमने इसके देख लिए कि ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ के टाइप देख लिए, हम देख लिए कि इसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि अगर ये अनहेल्दी ग्रैनुलेटेड टिश्यूज़ बन रहे हैं तो वाउंड हीलिंग प्रोसेस में जो है वो देर लग जाएगी, इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, स्कारिंग और पेन और चोट जो है वो दोबारा से जो है वो ताज़ा हो सकती है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है अगर जो है वो आपके पास ग्रैनुलेटेड टिश्यूज़ सही से काम नहीं करें तो। तो ये था हमारा आज का ग्रैनुलेशन टिश्यू का थोड़ा सा टॉपिक, जिसको हमने थोड़ा सा ऊपर से देखा है क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दिखता कैसा है, इसके अंदर इसके क्लिनिकल्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू था पैथो का, लेकिन आपका जो आपको जो समझना चाहिए था ना पैथो में DPT में, इस हिसाब से मैंने सारा समझा दिया है। इसके अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और उसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और स्लाइड्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इंस्टा पे, MP पे।
और अगर आप कहीं से भी पूरी दुनिया में, तो आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा कोर्स कंटेंट इंटरनेशनली सेम होता है। ठीक है, थैंक यू।